स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी मस्ती पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चांदी मूवी के फुल बेस्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू। तो गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी फिल्म के बेस्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू। चांदनी 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेट, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरी ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांट गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बेची। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली की फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्मफेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता।
भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले ब्रेड से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपड़ियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्त है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। और चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है। लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है, जाहिर है, और गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ,
ब्रजवान चावला के रूप में, अंतत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में, राम गोपाल बजाज के रूप में, शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर रमान दास के रूप में, भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर के रूप में, हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में, जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने ही बन भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों को समीक्षा को द्वारा सहराया गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यश राज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा, जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा, जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी हो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है और इसे सुरेश वांडकर अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से काली, चिराशा भोसले, विनोद राठौड़ ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना, नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। भारतीय सिनेमा में हिंसक प्रोडक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उत्कृष्ट किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश
चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक कैरेक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदी। 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेठ, मीशा वशिष्ठ, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरी ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधु संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्राप्त
त्रिकिया बेगी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंड ट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली की फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्म फेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वह अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गजरने वाले ब्रेक से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपड़ियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिने तरफ लकवास्थ है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। और चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मान लेता लेता है मना लेता है। लेकिन वह पहले तो झिझकताती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हील चेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है, जाहिर है, और गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है।
ये देखो चांदी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने सास को वापस पा लेता है और चांदी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर रमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्लानुपम खेर के रूप में हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिवहरि ने ही ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड गेट भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और समीक्षा को द्वारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया, और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा, जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा, जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी वो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है, और इसे सुरेश मांडकर अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से काली, चिराशा भोसले, विनोद राठौड़ ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना, नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। भारतीय सिनेमा में हिंसक प्रोडक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त
करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्घोषित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक एक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदी 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेठ, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरी ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह है और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना
जाने लगा है। नायिका उनमें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली, जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्राप्त प्रतिक्रिया भेजी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष वर्ष में से चांदनी को चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्म फेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले ब्रेड से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपनियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्थ है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है, उससे शादी करने के लिए मान लेता लेता मना लेता है, लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं
और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। जानी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है। जाहिर है वो गुस्से गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीणा बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर अरमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्लानुपम खेर के रूप में हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्तीवाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिवहरि ने ही ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों को समीक्षा को द्वारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा, जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा, जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है।
चांदनी हो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। यशस्वी देवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है और इसे सुरेश मांडकर, अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से गाली, राशा भोसले, विनोद राठौड़ ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना, नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। चांद भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी और इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्घोषित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक कैरेक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदनी 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कलबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेट, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कौल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरि ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी।
इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बेची। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली की फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्मफेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा, एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले ब्रेड से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपनियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्त है। रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी
करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रेलित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है। जाहिर है वो गुस्से गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल, बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर रमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्ला अनुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने ही बन भी बनाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों को समीक्षा को द्वारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया, यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंडट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसके कुल
लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड्स का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी हो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का, इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है और इसे सुरेश वांडकर अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से काली चिराशा भोसले विनोद राठौड़ ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना नीति मुकेश और सुरेश वांडकर ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। चांद भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी, यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बाद जो फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्घोषित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक कैरेक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदनी 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कलबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनूप
अनुपम खेर, आशुष मार्शेट, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कौल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरि ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसके उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया भेजी। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। पर 37वें फिल्मफेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता जबकि 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वह अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा, एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले पेड़ से टूट जाता है जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपनी उसे चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है
जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लगवांस्त है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। दिल और चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब वह जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है, उससे शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है। जाहिर है वो गुस्से गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल, बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर रमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्ला अनुपम खेर के रूप में हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने भी बनाया।
था। फिल्म का साउंड गेट भारत में भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और समीक्षा को दोबारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंडट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकेंड है। महबूबा जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है। यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकेंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है। यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकेंड का था। मितवा जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है। इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकेंड का है। हाँ मेरी जान जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकेंड का है। चांदनी हो मेरी चांदनी यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकेंड का है। लगी आज सावन की यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकेंड का है और इसे सुरेश वांडकर अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से काली चिराशा भोसले विनोद राठौड़ ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 22 सेकेंड का है। तू मुझे सुना नीति मुकेश और सुरेश वांडकर ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 30 सेकेंड का है। चांद भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उत्कृष्ट किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था। जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर
यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक का ट्रेलर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदी। 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेठ, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरी ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधु संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदी को व्यापक सफलता मिली जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बेची। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्मफेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है।
और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले ब्रेड से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपड़ियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्त है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। और चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है। जाहिर है वो गुस्से गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल, बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित ललित तिवारी, साउस
सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर रमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्लानुपम खेर के रूप में रमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने ही ने भी बनाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और समीक्षा को द्वारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यश राज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंडट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा, जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा, जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी वो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का, इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है और इसे सुरेश मांडकर, अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से काली, चिराशा भोसले, विनोद राठौड़ ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना, नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। भारतीय सिनेमा में हिंसक प्रोडक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बावजूद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्घोषित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म
फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक कैरेक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदनी। 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदनी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेठ, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा, इसे यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरी ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उनमें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली, जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बेची। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति
को और मजबूत किया। वर्ष में से चांदनी को चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्म फेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले ब्रेड से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपड़ियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्थ है, रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। और चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है। लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है। जाहिर है वो गुस्से गुस्से में रोहित इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस, वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया
वह अपने सास को वापस पा लेता है और चांदनी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं, क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना, ललित खन्ना, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीणा बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल, बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर अरमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्ला अनुपम खेर के रूप में हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिवहरि ने ही ने भी बनाया था। फिल्म का साउंड गेट भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों को समीक्षा को द्वारा सराहा गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में, जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा, जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था, जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा, जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। आ मेरी जान, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी वो मेरी चांदनी, यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की, यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है और इसे सुरेश वांडकर, अनूप देश पांडे ने गाया है। पर्वत से गाली, राशा भोसले, विनोद राठौड़ ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना, नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है, ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। भारतीय सिनेमा में हिंसक प्रोडक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने समाप्त करने के करने के लिए रोमांटिक संगीत शैली फिल्मों को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आलोचकों के साथ चांदी को इसके रिलीज पर अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली।
आईडीवा के अनुसार चांदी एक घटना अधिक और एक फिल्म कम थी। यहाँ तक कि एक सेट पर उनकी शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म प्रेस में लगातार चर्चा के विषय थी। चांदी 1989 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म पूर्ण घरों के लिए खोला गया और वितरित काफी थिएटर की संख्या में वृद्धि करने के लिए था। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्घोषित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को यश चोपड़ा की सबसे बड़ी हिट की सूची में यह कहते हुए चित्रित किया कि यह बॉलीवुड में हिंसा के युग को समाप्त करने और रोमांस की को हिंदी फिल्मों में वापस लाने में सहायक है। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति के को युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में समेकित किया। चांदनी में श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए टाइम इंडिया टाइम्स ने लिखा, उनके स्क्रीन नाम के अनुसार वह चमक और जीवंतता की प्रतीक है थी। उन्होंने सहजता में हमें शक्तिशाली धारियाओं से परिचित कराया। उनके क्लासिक एंगोलिक चरित्र से लदी थी। जिस दृश्य में वह ऋषि कपूर से भिड़ती है, उसे रेडिफ ने यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया था, जबकि श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइन की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। यश चोपड़ा की 10 सबसे कामुक नायिकाओं की अपनी सूची नंबर 1 पर यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को ऑस्ट्रेलिया चांदी के रूप में अमर कर दिया। यह टाइटैनिक कैरेक्टर इंडिया टुडे के साथ हिंदी सिनेमा में चांदी 1989 की भारतीय रोमांटिक संगीत ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण यश चोपड़ा ने किया है, जिसकी पटकथा कामना चंद्र, उमेश कालबाग, अरुण कोल और सागर सरहदी ने लिखी है। फिल्म में श्रीदेवी चांदी माथुर की मुख्य भूमिका में है, जो एक युवा जोशीली महिला है जो दो प्रेमियों के बीच फंसी हुई है। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, अनुपम खेर, सुषमा शेट, मीशा विशिष्ट, मनोहर सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और टी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित किया गया है। इसे कामना चंद्र द्वारा लिखित किया गया है और उमेश कालबाग, अरुण कोल, सागर सरहदी ने इसे लिखित किया है। इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। इसका संगीत शिव हरि ने दिया है और इसके छायांकन मनमोहन सिंह हैं और इसे केशव नायडू द्वारा संपादित किया गया है। इसकी उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म्स है और यह 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। इसका बजट कुल 2 करोड़ 2.1 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 27.02 करोड़ की कमाई की थी। 80 के दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा, क्योंकि उस अवधि में उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से विफल रही। असफल एक्शन फिल्मों की श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसे और एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे यश चोपड़ा शैली के रूप में जाना जाने लगा है। नायिका उन्हें एक रोमांटिक भावनात्मक विदेशी स्थानों पर फिल्माए नायिका उनमें रोमांटिक गाए गानों में इस्तेमाल किए गए मधुर संगीत के साथ सुपर की एलिट की
जीवन शैली का चित्रण करती है। फिल्म ने चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चयित किया। चांदनी को व्यापक सफलता मिली, जिसने 27.02 करोड़ की कमाई की। 1989 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्क के साथ साथ दशक की सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम बन गई, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्राप्त प्रतिक्रिया बेची। फिल्म की भारी सफलता और इसके साउंडट्रैक ने भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के युग को समाप्त करने और रोमांटिक संगीत शैली को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उस युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्ष वर्ष में से चांदनी को चोपड़ी की बेहतरीन फिल्मों में से एक के रूप में जाना जाता है। 37वें फिल्म फेयर पुरस्कार पर चांदनी ने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि 30वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी के लिए सही 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता। भूखंड, रोहित गुप्ता अपनी बहन के शादी में शामिल होते हैं और खूबसूरत चांदनी माथुर से मिलते हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे डेट करने के लिए सहमत हो जाती है और वे अंत सगाई कर लेते हैं। हालांकि उनका परिवार चांदनी को उनकी सामाजिक स्थिति में भारी अंतर के कारण नापसंद करता है। एक दिन चांदनी को एक खास चीज से सरप्राइज करने चाहते हुए रोहित उसे छत पर उसका इंतजार करने को कहता है। फिर दोपहर का सन्नाटा एक हेलीकॉप्टर के गुजरने वाले पेड़ से टूट जाता है, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोहित लाल गुलाबी की कंपनियों से चांदनी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। 5 मिनट की खुशी के बाद रोहित गायब हो जाता है और चांदनी चुप्पी से घर आ जाती है। अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित के परिवार ने उसे सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदनी तुरंत अस्पताल के आईसीयू यूनिट पहुंचती है, जहाँ रोहित भर्ती है। रोहित के परिवार ने चांदनी को पत्थर के भाव से बधाई दी और उस पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, यह जानकर कि वह अपने दाहिनी तरफ लकवास्थ है। रोहित को पता चलता है कि वह एक अच्छे पति की भूमिका पूरी नहीं कर पाएगा और चांदनी को जाने देने का फैसला करता है। चांदनी का दिल टूट जाता है और वह बॉम्बे चली जाती है। जब एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू करती है, जिसका मुखिया सुंदर और आकर्षक ललित खन्ना एक विदुर है। धीरे धीरे वह चांदनी के लिए भावनाओं को विकसित करता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन वह पहले तो झिझकती है। 2 साल बाद चांदनी अंत ललित से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ लता से मिलती है, जो चांदनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश है। स्विट्जरलैंड की यात्रा पर ललित रोहित से मिलता है, जो पेशेवर चिकित्सक और चिकित्साओं से उपचार प्राप्त कर रहा है। अब खड़े होने में सक्षम रोहित अंत ललित के साथ दोस्त बन जाता है और वह अपने प्रेम कहानियां साझा करते हैं। इस बात से अनजान है कि वह एक ही महिला से प्यार करते हैं। भारत लौटकर रोहित एक शाम ललित से मिलने आता है। चांदनी दरवाजा खोलती है और वह एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। चांदनी के आश्चर्य के लिए रोहित ने खुलासा किया कि अब वह व्हीलचेयर पे नहीं है। वह भावनाओं में डूब जाते हैं और रोहित उसे प्रपोज करने से इस मौके का फायदा उठाते हैं। चांदनी उसे बताती है कि वह चली गई है और ललित से सगाई कर ली है, जिससे रोहित बहुत निराश है, जाहिर है, और गुस्से में रोहित
इसे चांदनी सवाल करती है कि उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया। अफसोस वह चला जाता है। ललित ने रोहित को अपनी शादी में आमंत्रित किया क्योंकि वह दोस्त बन गए। बाद में के सभी समारोह में रोहित और चांदनी ललित को छोड़ने के लिए अजनबी होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन चांदनी को खोने के दर्द में के से बचने के लिए रोहित कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वह बड़बड़ाता है और सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर चांदनी अब खुद को रोक नहीं पाती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। वह उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। रोहित को पता चलता है कि चांदनी रोहित का प्यार है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया जाया वह अपने स्वास्थ्य को वापस पा लेता है और चांदनी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि ललित अपने प्यार को त्याग कर देता है। ललित और लता एक संक्षिप्त दुखद क्षण साझा करते हैं क्योंकि रोहित और चांदनी शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। काश श्रीदेवी के रूप में चांदनी गुप्ता, ऋषि कपूर के रूप में रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना के रूप में ललित खन्ना ललित खन्ना लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेट के रूप में अरमानी गुप्ता, किरण चावला के रूप में मीता वशिष्ठ, ब्रजवान चावला के रूप में अनंत महादेवन, अर्चला सचदेवी, वीना बनर्जी, मनोहर सिंह, निहाल गुप्ता के रूप में राम गोपाल, बजाज के रूप में शिव प्रसाद माथुर, ललित ललित तिवारी, साउस सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर अरमान दास के रूप में भारत भूषण, भल्ला अनुपम खेर के रूप में हरमेश मेहरा, देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। चांदनी का संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा रचित द्वारा रचित था जिन्होंने जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रदान किए गए थे। नीचे एक आवर्ती वाद प्रेम राग था, एक पूर्ण संगीत का हिस्सा नहीं। उस राग को चोपड़ा की अगली फिल्म में के लिए कभी मैं हूँ कभी मैं कहूँ गीत में विकसित किया गया था, जिसे शिव हरि ने ही ने भी बनाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में सबसे इस भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। यह वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक ने रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और समीक्षा को द्वारा सहराया गया। साथ ही पिछले साल कयामत से कयामत तक और उसी साल मैंने प्यार किया यश राज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंडट्रैक 4 गुना प्लेटिनियम हो गया था। 25वें सप्ताह तक यह 25 गुना प्लेटिनियम हो गया और जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। पहला मेरे हाथों में जिसे लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और यह उस टाइम का हिट सॉन्ग रहा है। इसकी कुल लंबाई 5 मिनट और 34 सेकंड है। महबूबा जिसे लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया है, यह भी फिल्म का एक अच्छा गाना था जिसे जो कुल 4 मिनट और 53 सेकंड का था। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जिसे पमेला चोपड़ा द्वारा गाया गया है, यह एक अच्छा गाना था और इसे यह कुल 4 मिनट और 6 सेकंड का था। मितवा जो कि एक बहुत फेमस इस फिल्म का बहुत फेमस गाना है, इसे लता मंगेशकर बमला मेहता द्वारा गाया गया है और यह कुल 4 मिनट 31 सेकंड का है। हाँ मेरी जान जिसे लता मंगेशकर ने गाया है और यह कुल 4 मिनट 21 सेकंड का है। चांदनी वो मेरी चांदनी यह बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है इस फिल्म का। इसे श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने गाया है और यह 4 मिनट और 32 सेकंड का है। लगी आज सावन की यह भी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है और यह कुल 3 मिनट 25 सेकंड का है
और इसे सुरेश मांडकर अनूप देशपांडे ने गाया है। पर्वत से गाली सुभाष भोसले विनोद राठौड़ ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 22 सेकंड का है। तू मुझे सुना नीति मुकेश और सुरेश मांडकर ने गाया है। ये कुल 4 मिनट और 30 सेकंड का है। चांद भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्म के युग को समाप्त करने इस फिल्म की स्टोरी फैक्ट्स एंड रिव्यू यहीं पर ख़त्म होते हैं। गाइस आशा है कि आपको इस फिल्म के बेस्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू पसंद आए हो। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।